संगीत विशारद लेसन 28। राग में वादी स्वर का महत्व। शास्त्रों की उपयुक्त व्याख्या के अनुसार वादी स्वर की स्थिति राग रूपी राज्य में राजा के समान मानी गई है। वादी स्वर का प्रयोग राग में अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक होता है। वादी स्वर पर ही प्रत्येक राग की विशेषता निर्भर रहती है। इसी कारण वादी स्वर को जीव या अंश स्वर भी कहते हैं। वादी स्वर का प्रयोग राग में कुशल गायक भिन्न भिन्न प्रकारों से करते हैं। राग में वादी स्वर को बार बार दिखाना, वादी स्वर से ही राग का आरंभ करना, वादी स्वर पर ही राग समाप्त करना, राग के प्रमुख भागों में वादी स्वर को बार बार भिन्न स्वरों के साथ दिखाना तथा कभी कभी वादी स्वर को बड़ी देर तक लंबा करके गाना इत्यादि विविध ढंगों से वादी स्वर का प्रदर्शन रागों में किया जाता है। उदाहरणार्थ बिहाग में गंधार वादी स्वर है तो उसका प्रयोग इस प्रकार देखने में आएगा। गा रे सा नी सा गा मा गा पा गामा गा नीपा गामा गा नी सा गामा धा पागा मागा सा इत्यादि। इसी प्रकार मारवा में वादी स्वर कोमल ऋषभ का प्रयोग देखिए। नी रे रे सा नी रे 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 गा रे 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 गामा गा रे मागा रे रे पा इत्यादि। यहाँ पर कोमल ऋषभ को लंबा खींचकर उसका वादित्व कितनी सुंदरता से प्रकट किया गया है। वादी स्वर के प्रयोग से रागों के गायन वादन का समय भी जानने में सुविधा मिलती है। जब किसी राग में सप्तक के पूर्वांग में से कोई स्वर वादी होता है तो उसे पूर्वांग वादी राग कहते हैं और उसके गाने का समय प्राय दिन रात के पूर्वांग समय अर्थात दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक के बीच होता है। जैसे भीमपलासी पीलू पूर्वी मारवा यमन भोपाली बागेश्वरी इत्यादि रागों में पूर्वांगवादी स्वर होने के कारण ये राग उपयुक्त समय में ही गाए बजाए जाते हैं। इसी प्रकार किसी राग में जब कोई वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग में से होता है तो वह दिन रात के उत्तरांग भाग अर्थात रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक के समय में से किसी समय का राग होता है। जैसे भैरव भैरवी बिलावल कलिंगड़ा सोहनी असावधी इत्यादि। वादी स्वर की एक विशेषता यह भी है कि किसी राग में केवल वादी स्वर बदल देने से ही राग भी बदल जाता है, चाहे उन रागों में लगने वाले स्वर लगभग एक जैसे ही हों। जैसे भीमपलासी और धनाश्री, ये दोनों राग काफ़ी ठाट से उत्पन्न हुए हैं और दोनों में ही गा नी कोमल प्रयुक्त होते हैं, किंतु इन रागों में केवल वादी स्वर के उलट फेर से ही राग परिवर्तित हो जाता है। जब भीमपलासी गाया जाएगा तो उसमें मध्यम स्वर अधिक दिखाया जाएगा क्योंकि भीमपलासी में मध्यम वादी है, और जब धनाश्री गाया जाएगा तो पंचम स्वर अधिक दिखाया जाएगा क्योंकि धनाश्री में पंचम वादी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि केवल वादी स्वर को बदल देने से ही राग भीमपलासी से धनाश्री हो गया। किसी राग का कोई स्वर समुदाय देखकर उसमें वादी स्वर पहचानने से उस राग का नाम भी ध्यान में आ जाता है। जैसे सा गामा धा नीधा सा नी धापा गामा धा पा धापा गामा रे सा। इसमें धैवत स्वर विशेष रूप से चमक कर अपना वादित्व प्रकट कर रहा है, अतः यह हमीर राग है क्योंकि हमीर में वादी धैवत माना जाता है। वादी स्वर की सहायता से राग का विस्तार तथा राग की बढ़त भी दिखाई जाती है। जैसे मालकोश में मध्यम स्वर वादी है तो देखिए उसके स्वर विस्तार में माँ किस तरह समाया हुआ है। सा नीसा माँ माँ गा मा धा नी धा मा गा गा मा गा सा सा मा सा मा गा मा धा मा गा मा नी धा मा गा मा इत्यादि। राग में वादी स्वर का महत्व बताते हुए जो वर्णन किया गया है उसके अनुसार निम्नलिखित 7 बातें विद्यार्थियों को याद रखनी चाहिए। पहली,
वादी स्वर राग का प्रधान स्वर होता है और राग रूपी राज्य में उसका स्थान राजा के बराबर होता है। दूसरा, वादी स्वर को ही संगीत शास्त्रों में जीव स्वर भी कहते हैं, अर्थात इसी स्वर में राग के प्राण होते हैं। तीसरा, वादी स्वर से राग के गायन वादन का समय जाना जा सकता है। चौथा, केवल वादी स्वर को बदल देने से कोई कोई राग भी बदल जाता है, चाहे अन्य स्वर दोनों रागों में एक से ही हों। पांचवा, वादी स्वर पर राग का सौंदर्य निर्भर है। छठा, किसी स्वर समुदाय में वादी स्वर को पहचान कर यह बताया जा सकता है कि यह अमुक राग है। सातवा, राग में लगने वाले अन्य सब स्वरों की अपेक्षा वादी स्वर अधिक प्रयोग में आता है। राग में विवादी स्वर का प्रयोग। शास्त्र नियम के अनुसार रागों में विवादी स्वरों का प्रयोग वर्जित है, किंतु उनका अल्पत्व रखते हुए थोड़ा सा प्रयोग तान इत्यादि में करने की आज्ञा भी शास्त्रों में पाई जाती है। जैसा कि राग मंजरी में कहा गया है, विवादी तू सदा त्याजय कव चित्तान क्रियात्मक। इस प्रकार विवाद स्वर के विषय में प्राचीन ग्रंथकारों की धारणा विचित्र रूप से पाई जाती है। इसी का उल्लेख करते हुए लक्ष्य संगीत में कहा गया है, विवादी स्वर व्याख्याने रत्नाकार प्रचित्र रहस्य किंचित दव्यसीत भिन्न मर्म विदामते। इससे सिद्ध होता है कि विवादी स्वर का व्याख्या रत्नाकर आदि ग्रंथों में रहस्यपूर्ण ढंग से भिन्न भिन्न रूपों में किया में पाया जाती है। कई ग्रंथों में विवादी स्वर को राग का दुश्मन भी शत्रु तुल्य विवादिन कहकर बताया गया है। इतना सब होते हुए भी भातखंडे जी का मत विवादी स्वर के बारे में यह था कि यदि कुशलतापूर्वक कर्ण के रूप में विवादी स्वर का प्रयोग किया कर दिया जाए और उससे राग की रंजकता बढ़ती हो तो मानक स्पर्श के नाते यह कृत्य समक्ष समझा जाएगा। उन्होंने अभिनव राग मंजरी में लिखा है, सुप्रमाण युतो रागे विवादी रक्तिवर्धक यथेश कृष्णवर्णेन शुभ्र स्थापी विचित्रता। संगीत समय सार ग्रंथ में विवादी स्वर की व्याख्या प्रच्छादनियों लोपियों व इस प्रकार की गई है। प्रच्छादन का अर्थ है मानक स्पर्श, अर्थात किंचित विवादी स्वर का प्रयोग। इस प्रकार आजकल हम देखते भी हैं कि कुशल गायक अपने राग में विवादी स्वर का किंचित प्रयोग करके श्रोताओं से प्रशंसा प्राप्त करते हैं और राग का स्वरूप भी नहीं बिगड़ने पाता, बल्कि उसमें कुछ और विचित्रता ही पैदा हो जाती है। किंतु यह कार्य अत्यंत सावधानी से ही करना चाहिए। इसके विरुद्ध यदि गायक चतुर ना हुआ और बेढंगे तरीके से विवादी स्वर का प्रयोग कर बैठा तो राग हानि तो होगा ही, साथ ही वह श्रोताओं से निंदा भी प्राप्त करेगा। इसलिए विवादी स्वर का जब कभी प्रयोग किया जाए तो क्षणिक कर्ण के रूप में या जलद तानों में ही करना शोभा देगा। इस मत का समर्थन राग विवोध में इस प्रकार मिलता है, वज्र स्वरो अवरो द्रुत गीतों न रहते, अर्थात विवादी स्वर द्रुत गीतों में सौंदर्य को नष्ट नहीं करता है। वर्तमान समय में अनेक रागों में विवादी स्वरों का प्रयोग होने लगा है, जैसे हमीर कामोद और गौड़ सारंग राग में कोमल निषाद विवादी स्वर के नाते जब कर्ण स्पर्श या द्रुत लय की मीण के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो उस समय बड़ा अच्छा लगता है। इसी प्रकार केदार छायानट रागों में तो विवादी स्वर का प्रचार इतना बढ़ गया है कि कभी कभी श्रोतागण आश्चर्यचकित हो जाते हैं और भैरवी की तो कुछ पूछिए मत। इसमें तो विवादी स्वर का प्रयोग आजकल इतना बढ़ गया है कि यह राग 7 स्वरों की जगह 12 स्वर का हो गया है, अर्थात कोमल स्वरों के अतिरिक्त रे गा मा धा नी इन 5 स्वरों का भी प्रयोग इसमें खूब खुलकर लोग करने लगे हैं।
किंतु विवादी स्वरों का अधिकता के साथ प्रयोग करना रागों के साथ अन्याय करना है। विवादी स्वर आखिर विवादी ही है, अतः इसका प्रयोग सीमित रूप में और कुशलता के साथ करना उचित है।